जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन माह में कौन से जानवर और पक्षियों का दिखना देता है कौन सा शुभ संकेत। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार स्पिरिचुअल ज्ञान पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। साथ ही यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस समय भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ समय सावन के महीने को माना गया है। अधिक मास या मलमास के चलते इस वर्ष यानी कि 2023 में सावन लगभग 2 महीने तक चलने वाला है। सावन के पवित्र माह में भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत से जानवर और पक्षी बताए गए हैं जिनको सावन के महीने में दिखने पर माना जाता है भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कौन से हैं वो पक्षी और जानवर, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मोर। मोर का दिखना सावन के महीने में क्या संकेत देता है? सावन के महीने में मोर का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में आपके दुख खत्म होने वाले हैं। मोर का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है, इसलिए सावन में मोर का दिखना यह संकेत देता है कि आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। दूसरा है कान खजूरा। बारिश के मौसम में अक्सर घर में कान खजूरा देखने मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में घर के अंदर कान खजूरे का दिखना शुभ माना गया है। कान खजूरे को सुरक्षा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके आने से घर में समृद्धि और धन में वृद्धि होगी। तीसरा है सांप। ज्योतिष की माने तो सावन के महीने में सांप का दिखाई देना बहुत शुभ है। सांप भगवान शिव का प्रिय है, साथ ही उनके गले का हार भी है। अगर आपको सावन के महीने में सांप दिखाई दे, या कुछ लोगों के तो घर पर ही निकल आता है, और खास तौर पर यदि नाग हो तो इसका अर्थ है कि भगवान शिव आपकी पूजा से प्रसन्न है, साथ ही आपकी मनोकामना भी जल्द ही पूरी होने वाली है। इसी में अगर वो सावन के सोमवार वाले दिन या शिवरात्रि वाले दिन आपको नाग के दर्शन हो तो वो तो सोने पे सुहागा ही माना जाता है। चौथा है नीलकंठ। सावन में नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत शुभ माना जाता है। नीलकंठ को धरती पर भगवान शिव के शांत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भागवत गीता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल नामक विष का पान भगवान शिव ने किया था। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया, और इसी से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। नीलकंठ पक्षी को इन्हीं का स्वरूप कहा जाता है। सावन में नीलकंठ पक्षी का दर्शन सौभाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। तो यदि आपको इन चारों में से किसी के दर्शन इस सावन में प्राप्त हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।